गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर टू। दिस एक्सरसाइज नंबर टू विच इज गिवन इन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में एक्सरसाइज नंबर टू दिया हुआ है। ओके, इन एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन इज गिवन हियर, रीड द एबकस एंड राइट द नंबर एंड द नंबर नेम्स, है ना। हमको एबकस को रीड करना है और उसका उसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर बीट्स उसके नंबर सीखना है और उसके नंबर नेम लिखना है। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट 4-digit नंबर ऑन एबकस। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बेटा, व्हाट इज दिस? ये जो मैंने कुछ फिगर बनाया, कोई पिक्चर बनाया, जैसे दिख रहा है ना आपको, डायग्राम जैसे दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एबकस। इसको हम बोलते हैं एबकस। दिस इज एन एबकस। ओके, एंड इन एबकस देयर आर 4 rods आर हियर। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम rods बोलते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 rods है। ठीक, और हर रॉड में आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा डायग्राम, इसको हम बोलते हैं बीट्स। क्या होते हैं? दिस आर बीट्स, 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 बीट्स। ठीक, बीट्स आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर पर्टिकुलर ऑन देयर प्लेस। ठीक है, चल बेटा, इन 1000 प्लेस हाउ मेनी बीट्स इज रिप्रेजेंट? सो लेट्स काउंट, 1, 2, 3, 4 in 1000, 4 beats are here. And in 100 place, how many beats? Let's count with me. 1, 2, 3. 100 place में कितने beats हैं? 3. So we write here 3. Firstly, I write here this 1000, 100, 10, and 1. In 1000, there are 4 beats. In 100 place, there are 3 beats. Next, in 10th place. In 10th place, how many beats is represent? 1. So, we write under 10s, 1. In 1 space, how many beats is representing? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay? So, let's reread this number. How we will read this number? 4350. कभी भी जब भी हम नंबर लिखते हैं तो नंबर को पहले डिवाइड कर दो, है ना। मैं 3 parts में डिवाइड कर रही हूं नंबर को। 1000 का प्लेस, 100 का प्लेस, एंड 10s and 1s को वी रीड टूगेदर। 10s और 1s को कभी भी एक साथ पढ़ना, एक साथ पढ़ना। ठीक है, एक साथ पढ़ना। तो अब आप जब इस तरह से मार्किंग कर दोगे तो आपको नंबर नेम लिखने में इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल राइट इस नंबर नेम। अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। 4000 कैसे हमने लिखे, एक बार फिर रिपीट करो। 4350। ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे आपको नंबर नेम लिखना। 4000, F O U R, 4000. What is the spelling of 1000? T H O U S A N D, 1000. 4000. Up next, 300. 300. Clear? 4000. 300. 300. अब क्या बच्चा? 15. 10s and 1s को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं। 15. What is the spelling of 15? F-I-F-T-E-E-N. 15. Clear? 4,350. Okay? Okay. Let's see next question. 9,000 place. How many bits is represented? There is. This is 1. We are representing here in 1000 place, 1. We write here 1. In 100 place, 1, 2,
3. So we write here 3. In tens place 1, 2. We write here 2. And in a ones place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we write here 7. Let's write its a place 1000, 100, tens and ones. Clear? So please you read this number 1327. जैसे मैं यहाँ पर बोली ना, फिर से समझा रही आप लोग, एक साथ रीड करोगे, एक साथ टेंस ऑफ वन्स को, वन अलग, थ्री अलग, थाउजेंड और हंड्रेड का प्लेस सेपरेटली अलग अलग, और टेंस ऑफ वन्स को एक साथ रीड करना है. ठीक है, चल लेट्स रिपीट अगेन. 1327. अब जैसे आपने बोला उस तरह से आप नंबर्स के देखो. 1000 P-H-O-U-S-A-N-D. Please you write spelling of 1000. 1300. P-H-R-E-E. 300. 27. 8-7. 27. T-W-E-N-T-Y. 20. S-E-V-E-N. 7. Okay. Next number. That is 3. In thousand place, count the beads 1, 2, 3. 3. In a hundred place, how many beads here? 1. In tens place, there is no any beads. It means 0. You have to write 0. जब कोई beads नहीं रहता, तो हम उसको क्या लिखते हैं? 0. Then ones 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Now read this number 3105. मैं यहां मार्किंग कर देती हूँ. 3100. Clear? I hope you will understand better. Okay? Now 4, 5, 6, 7, 8. It is your homework. 4, 5, 6, 7, 8. Please you note down on your copy, and please also you will mention today date.